एफएमडीए की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम जयंती की बधाई देते हुए कहा कि एफएमडीए की आज तीसरी बैठक थी, स्ट्रक्चर को लेकर बैठक थी, लेकिन आज विकास की योजना बनाई गई। नेशनल वर्ल्ड प्रेस डे, क्योंकि हम लोग प्रेस से जुड़े हैं इसलिए उसकी बधाई। आज अक्षय तृतीया का दिन है, इसकी बधाई। आज शस्त्र और शास्त्र विज्ञान के और उस विद्या के जो प्रभु हैं भगवान परशुराम जी, उनकी जयंती का दिन है, उसकी भी बधाई। अभी एफएमडीए की हमारी ये मीटिंग वैसे तो 3 महीने बाद होनी चाहिए, लेकिन पिछले दिनों कोविड और ये सब चीज़ें होने के कारण से कुछ देरी से शुरू हुई। आज तीसरी मीटिंग एफएमडीए की थी। जो पहले की 2 मीटिंग थी उसमें स्ट्रक्चरल चीज़ें होती थी, लेकिन आज इस मीटिंग में हमने कुछ विकास के कामों की योजना बनाई है। लगभग 450 करोड़ रुपए की योजना सब बनी है और इस साल का बजट वो भी उसमें पास किया गया है, और उसमें भी जो डिमांड रखी गई है एफएमडीए के जो रिसीट्स का या जहाँ से उनको पैसे आने हैं, वो भी अलग अलग विभागों का, चाहे म्यूनसिपैलिटी देगी या ईडीसी है, आईडीसी है, स्टाम्प ड्यूटी है, अथवा सरकारी जो भी कुछ ग्रांट उनको मिलनी है, उसकी प्लान सारी बना दी गई है। लगभग 586 करोड़ रुपया नए वर्ष का जो बजट बना है वो उपलब्ध कराया जाएगा। फरीदाबाद चूँकि विस्तार बहुत हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, उसी नाते से इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं उनको बढ़ाने का भी दबाव यहाँ बना है। खास करके सबसे पहली आवश्यकता होती है पानी की, तो पानी जैसे जैसे आवश्यकता पड़ रही है वैसे वैसे 2041 तक की प्लान वो सारी एफएमडीए ने बनाई है। धीरे धीरे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी कहाँ से आएगा, अभी तो बोरवेल से नीचे से पानी लिया जाता है, तो बोरवेल से पानी अथवा रेनी जो ये है रेनीवेल, तो रेनीवेल से व्यवस्था जो है उसको मजबूत किया जाएगा। और एसटीपीज की जो व्यवस्था आगे बढ़ रही है, लगभग 300 एमएलडी का व्यवस्थाएं जो सारी बनी हैं उसमें बड़खल झील में भी पानी डाला जाएगा, इंडस्ट्री को भी ये जो ट्रीटेड वाटर है वो सप्लाई किया जाएगा ताकि पोर्टेबल वाटर की हमारी आपूर्ति जो है वो उसमें से हो सके। दूसरा विषय इसके अंदर रोड्स का है, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो छोटी बड़ी कई रोड्स पहले से चल रही हैं, उनका आज सारी रिपोर्टिंग की गई है, आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। वैसी लगभग 20 से ऊपर रोड्स हैं छोटी बड़ी, वो सब एफएमडीए ये सब बनाएगा। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में भी जो लोकल बस सर्विस है, सिटी बस सर्विस, इसमें 150 बसें और जोड़ी जाएँ, खास करके छोटी बसें, मिनी बस, मिडी बस, अभी तो बड़ी बसें चल रही हैं 50, तो ये बसें और जोड़ी जाएंगी, उससे भी लाभ होगा उसका। जो तो पहले के 3 बस स्टैंड पहले हैं, एक हमारा एनआईटी में बस स्टैंड है और एक बल्लभगढ़ में है, तीसरा सेक्टर 12 में बन रहा है। इसके बाद एक बस स्टैंड जो न्यू फरीदाबाद है उसमें और बनाया जाए, और जो जो सारी जो बसें होंगी 50 अब हैं, 150 और आएंगी, इन सब का कोई डिपो, एक वर्कशॉप इसके बनाने की भी जो चर्चा हुई है, वो ज़मीन एक बार ईयरमार्क की जाएगी, उसके बाद उसका फाइनल फैसला किया जाएगा। शहर में हॉर्टिकल्चर, इस नाते से जो सड़कों के किनारे पेड़ हैं, पौधे हैं, हर्ब्स यानी वो लगाना का इसको बोलते मानो फ्लावर्स हैं, पौधे हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए अलग से हॉर्टिकल्चर विंग ये एक बनाया जाए सभी बड़े शहरों में। ये हमारी जो यूएलबी है और हॉर्टिकल्चर का जो डिपार्टमेंट है उनसे बात हो गई है, तो इसको थोड़ा और मजबूत करेंगे ताकि शहरों के साथ सज्जा सुझा और सुंदरता ये भी बढ़े। कुछ 17 गांव जो शहर के यानी नगर निगम के साथ जुड़े हैं, उन 24 गांव हैं, उन 24 गांव में क्योंकि ज़मीनें एक्वायर हुई थी, उनका काफ़ी पैसा बैंकों में जमा है, उनकी ये डिमांड थी कि वो जो एफएमडीए के काम उस इलाके में हो, उस पैसे का उपयोग उसी के लिए किया जाए, वो भी हमने मान लिया है। तो लगभग ऐसे 350 करोड़ रुपया उस सारे इलाके में, चाहे स्टेडियम बनाने की बात है, चाहे कुछ सड़कें बनाने की बात है, सीवरेज का काम है, ये सारे काम उस पैसे से हो सकेंगे, उस पैसे का उपयोग बाकी जगह ना करके उसी इलाके में किया जाएगा, सभी ने निर्णय लिया। जो पानी के टैंकर अभी तो खूब चलते हैं, उसके लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। अभी सारे पानी के जो टैंकर चलने वाले हैं, जो अभी तक जिनका कोई सिस्टम नहीं था, उनका सबका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, और जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो पानी इनको जो एक जो
बड़ी पंप सप्लाई होती है उस सप्लाई के हिसाब से इनसे चार्ज भी किया जाएगा ताकि पानी की दुरुपयोग भी ना हो और पानी का जो आवश्यकता है उसकी उसका पैसा इनसे लेकर के और उसका उपयोग GMDA में FMDA में ये किया जाए। तीन मुख्य सड़कों का जो काम सेक्टर 12 की जो रोड है उसको भी शुरू कर दिया गया है। एक ईस्ट और वेस्ट फरीदाबाद यानी पुराना फरीदाबाद और नया फरीदाबाद इसको जोड़ने के लिए तीन अंडरपास बनाने के लिए एक टेंडर कर दिया गया। उसको अभी पहले उसकी DPR बनाने के लिए फिजिबिलिटी चेक करने के लिए उस टेंडर को करके एक एजेंसी नियुक्त की जाएगी PWD के द्वारा और बहुत जल्दी उसका एक क्या स्वरूप निकल करके आएगा वो कंपनी बहुत जल्दी उसकी रिपोर्ट देगी। ये मुख्य विषय जो हाँ जी अभी वही फिजिबिलिटी सारी चेक वो कंपनी करेगी। मोटा मोटा सुझाव हम देंगे कि जो मुख्य मार्ग जितने भी जो हमारा पुराना फरीदाबाद है NIT फरीदाबाद है वो सारा नए फरीदाबाद की तरफ कहाँ से जुड़ सकता है क्योंकि ये सारा जो बीच में नेशनल हाईवे रेलवे लाइन और मेट्रो तो तीनों को नीचे से पास करना है तो जहाँ जहाँ फिजिबल होगा ताकि उधर भी सड़क चाहिए इधर भी सड़क चाहिए यहाँ नीचे से एक अंडर पास बना करके और ये मार्ग बनाए जाएंगे इसकी फिजिबिलिटी वो कंपनी करेगी। सर 2024 तक आप जिक्र करते हैं कई बार CMI के ऊपर मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और जो ऐसी एजेंसी जिसके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है उसके ऊपर बार बार बोलना उचित नहीं है। वैसे आज केवल फरीदाबाद की डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। सर बिजली की समस्या के बारे में क्या है? हाँ अब ठीक है बिजली की समस्या है उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है मतलब उसमें कहीं दो राय नहीं है लेकिन इसको ठीक करने के लिए हमारी सारी जो प्लान बनी है उसमें 2-3 दिन में जो हमारा अडानी के साथ जो थोड़ा सा विवाद था वो हल कर लिया गया। 2-3 दिन के अंदर उनकी बिजली 500 MW वो शुरू हो जाएगी। 15 मई तक हमको भाखड़ा से लगभग 1000 MW अतिरिक्त बिजली ये मिलनी शुरू हो जाएगी। कुछ और PPA वो भी हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले 8-10 दिन के अंदर बिजली की जो अभी कमी है इसको हम दूर